हमने कितनी मेहनत से शिवानी को रघु के खिलाफ भड़काया था, और उसने क्या किया? उसने इसी बात का फायदा उठाया। एक बात कहें, आई एम वेरी इंप्रेस्ड। आंटी, वो यहां हमें मात पर मात दिए जा रहा है और आप उसे इंप्रेस हो रही हो? बेटा, दुश्मन की तारीफ करने से कोई छोटा नहीं हो जाता है। अगर वो शेर है तो हम सवा शेर। लेकिन आंटी, अब हम करेंगे क्या? अगर शिवानी की कल प्रेजेंटेशन अच्छी हो गई और राजू का प्रोजेक्ट अप्रूव हो गया, फिर उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस वापस आ जाएगा। हो सकता है कि वो काम भी एंजॉय करने लग जाए, फिर उसके बाद उसे ऑफिस से हटाना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन हो जाएगा। जवाई राजा, प्रोजेक्ट तो तभी अप्रूव होगा जब हम उसे अप्रूव होने देंगे। आपको हमारी काबिलियत पे इतना शक क्यों है? ये तुम्हारे लिए, कैसी लगी तुम्हें? घनी चोखी है, पर इसकी काहे जरूरत थी? थे इस परिवार के लिए इतना सब कुछ कर रहे हो, हमारे लिए इतना ही काफी है। मने इस साड़ी की जरूरत कोनी। नहीं नहीं बेला, तरस रहा था मैं तुम्हारे लिए और इस परिवार के लिए कुछ करने को। बड़ी मुश्किल से मौका दिया है महादेव ने, अब मना मत करो, ले लो। अरे वाह रुपे जी, आज तो आपने हम सबका दिल विनिंग कर लिया एकदम से, और अब तो आप ही हमारे बड़े भैया हो। अब जो काम रघु भैया को डूइंग करना चाहिए वो तो आप कर रहे हो। रघु भैया तो बेबी जी के चक्कर में हमें फॉरगेटिंग ही कर चुके हैं, अब तो उनका इस घर से कोई गिविंग और टेकिंग भी नहीं है। यो ठीक काय बोले चले जा रहे हो माया? रघु भैया ने इस घर वास्ते बहुत कुछ किया है, हम सब लोगों वास्ते बहुत कुछ किया है। अच्छा, क्या किया रघु भैया ने इस घर के लिए? जरा आप हमें भी टेलिंग कर दीजिए, क्योंकि हमें तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा। इस घर का खर्चा मैं या विवेक जी उठा रहे हैं, और अब रुपेश जी भी। अरे अब बस करो तुम दोनों, क्या लगा रखा है? ये नहीं लड़ाई का खूनी, खुशी को दिन है। लता, जमाई जी के लिए कुछ मीठा उठा बना। हाँ हाँ, अब चल बेड़ा, हमारी मदद कर। माया जी की अलमारी में पैसे यूं ही बेकार पड़े थे, मैंने उन्हें बाहर निकाल कर आज उनका सही इस्तेमाल किया है। जय हो रुपेश बाबू, जय हो। बैठ, तू बैठ अट्ठे, मैं थारे वास्ते कुछ मीठा लेकर आती हूँ। माँ, मैं खाना खा के, आप छोड़ो सब, आप यहाँ बैठो, इधर आओ। तू चुपचाप बैठ अट्ठे, बड़े दिनों से मारे हाथ का कुछ खाया कोनी तूने, मैं लेकर आती हूँ। ले खा ले, आज थारी पसंद का हलवा बनाया था। वैसे बनाते वक्त थारी घड़ी याद आ रही थी मने। वाह वाह, कितने दिनों के बाद मैं आपके हाथ का हलवा खा। आज वैसे जो की खुशखबरी है, जमाई जी की नौकरी पक्की हो गई है। अच्छा, अरे वाह, मैं तो ये तो वाकई बहुत अच्छी खबर है, घर पे सब कितने खुश होंगे। और माँ, क्या बात है, कोई परेशानी है क्या? अरे नहीं नहीं, सब अच्छा है। अब तू बता, बेबी जी कैसी है? बेबी जी ठीक है माँ। वैसे आज ये मुंह मीठा करने की एक और वजह बनती है। बेबी जी ने ऑफिस जाना शुरू कर दिया। अच्छा, अब
अब मालिक साहब का सारा बिजनेस संभालने लगी हैं धीरे धीरे, मतलब कोशिश तो कर ही रही हैं। कल एक बहुत खास मीटिंग है माँ बेबी जी की, सो मीटिंग अच्छे से हो जाए बेबी जी के लिए बहुत अच्छा होगा, बेबी जी का हौसला बढ़ेगा, वो और जिम्मेदार हो जाएंगे। मालिक साहब की सच्ची वारिस बन जाएंगी मैं वो। तू फिक्र को नहीं कर, थारा विश्वास और बेबी जी की लगन दोनों पे मन्ने पूरा भरोसा है। देखना बेबी जी का कल का दिन घना अच्छा जावेगा।